अस्सलामुअलैकुम, मैं खाना खा भी रहा हूँ। सब गुड मॉर्निंग, बच्चों का नाश्ता बनाना है और आज सात बज गए हैं। मैं ज़रा देर से उठी, लेट हो गई और जल्दी से बस बनाने का जाए। आटा बना था तो मैं इसको वही आटा ऐड करके जल्दी से बना लूँगी ताकि घाटा ना लगे। और इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट एंड पेपर, ठीक है। मैंने एक प्याज ऐड किया और थोड़ा सा मैंने सालन ऐड किया, ठीक है। बस मैं आटा ऐड करके मैं इसमें मिक्स करूँगी, थोड़ा सा पानी ऐड करके। सो नाउ आई एम मेकिंग द ब्रेकफास्ट हेयर। और आज जो है थोड़ा लेट हो गई थी तो बच्चे अब दोनों स्कूल जा चुके हैं। सो अब मैंने बनाना है नाश्ता, ठीक है जी। नाश्ते में हमारे पराठे जो बनते ही हैं आपको पता ही है, लेकिन आज पराठे नहीं बनेंगे, बच्चों का ज़रूर बनेगा और मेरे स्लाइस बनेंगे, ठीक है। चाय बनेगी, साथ में ऑमलेट होगा। और ऑमलेट के लिए मैंने प्याज कट कर लिए हैं और अंडा एक लिया है, और अभी अंडा और ऐड कर लेते हैं। चाय के लिए पतीली ले लें। अभी बनाना है नाश्ता, ठीक है। भूख लगी हुई है, चिया सीड्स दोबारा से स्टार्ट कर दिया, वेट लॉस जर्नी भी स्टार्ट हो चुकी है। और आप लोग क्या करते हैं, किस तरह का? और अब रमज़ान भी आने वाला है तो अपनी रूटीन को उस हिसाब से भी एडजस्ट करना है, और शबरात भी आने वाली है तो उसी लिहाज से भी आप करना। सो आप लोग व्लॉग बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं, मैंने देखा, तो प्लीज़ लाइक किया करें, व्लॉग भी देख लिया करें हम करीबों के। सो अब मैं बना रही हूँ नाश्ता, चलें अब स्टार्ट करते हैं मेकिंग ऑफ ब्रेकफास्ट। और नाश्ता बनाने के बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी, ठीक है। क्योंकि वो जो है आपको मैंने बताया था ना कि मेरा ख़राब हो चुका है स्टैंड, जिस पर मैं रख के कुक कर सकूँ, कि मैं इजीली कुक करती रहूँ और वीडियो बनती रहे, तो ऐसा सिस्टम अभी फ़िलहाल नहीं चल रहा है। तो मैं बस इसको करती स्टॉप और बनाती हूँ नाश्ता। सो पराठा भी बनेगा, बर्फी भी बनेगी, मतलब डबल डबल काम कराएंगे मुझसे, चलें। मैंने जैसा अभी रेड चिली पाउडर ऐड किया था, थोड़ा सा मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दूंगी। जीरा ऐड कर लेंगे, सेवन सीड्स, ठीक है। और हल्दी पाउडर ऐड करेंगे थोड़ी सी। और अब हम ऐड करेंगे इसमें सॉल्ट, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ऐड कीजिएगा, ज़्यादा कम, जिस तरह का भी आप खाना चाहते हैं। तो ये हो गया, और इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, फिर अंडा ऐड करेंगे और इसको अच्छे से जो है ना बीट अप कर लेंगे अच्छे से। सो जी स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये ऑमलेट का मिक्सचर मैंने रेडी कर लिया, अब हमने पराठे बनाने हैं और फिर ऑमलेट और ब्रेड वगैरह, ठीक है। सो हेयर इज़ द लंच ऑफ माई हबी, ठीक है। उनके लिए मैंने सालन डाल दिया, दो खिचड़ी कर दी और साथ में ये मैंने सैंडविचेस बना दी, और ये जो है ना उनका लंच बॉक्स तैयार हो चुका है, ठीक है। और ये हमारा सालन रोटी साथ में चाय एंड ब्रेड और टोस्ट, ठीक है, ये मैंने रेडी करी। ये क्या बनाया है? ये आप ही है? आप ही के ये क्या है? आंचू है। आंचू है। और ये कौन है? बलास। और ये कौन है? मुरी। और ये मुछे वाले पापा। गुच्छे वाले पापा? मुछी वाले, गुस्से वाले, मुछी वाले पापा है, ये मम्मा है। और ये क्या है? बाल, आप ही के बाल। नहीं, ये क्या है? ये है ना मम्मा पापा के क्या? तू नहीं, ये मम्मा का है ना, ये पापा का है ना, मम्मा पापा का है ना, पकड़ा हुआ पापा ने। हाँ,
आपने मेरा हेल्थ पता हुआ नहीं और है मैंने मिस्टर तेजा लोडिया अभी मैं ये स्माइल कर रहा है बलाज हाँ और ये पापा का और मम्मा का हैंड है अभी मैं आप इतने आंसू तो जाती था आप ही रो रही है नहीं अब आंसू खत्म हो गए आप ही के अब इसके ये भी जादू ये इसकी दिस्ती अब ये स्माइल करने वाली है अभी देखना अच्छा देखते हैं क्या करता है वाव आप ही स्माइल कर रही हैं और ये हैंड है मम्मा पापा के हैंड है अभी मैं मम्मा मेरी भी दिखा दूं मैंने प्रिंसेस बनाई है ये प्रिंसेस कौन सी प्रिंसेस ये स्नो वाइट है ये सिंड्रेला है वो जो ग्रीन वाली होती है ना वो ये बेला का जैसे क्योंकि वो कहीं गई भी है ना इसलिए वो दूसरा ड्रेस पहन के गई है और ये छोटी गई है सही है गुड चलो वेरी गुड होल्ड इट ओके सो ये आपकी ड्राइंग थी है चलो ओके अब पढ़ लो अभी देख अभी मैं इनका इनका हैंड बन गई कितनी डिटेलिंग में बना रहे हो आप हैंड पकड़े हुए हैं रो रहे हैं आंसू आ रहे हैं नहीं ये अब इनकी आंसू नहीं आ रही अभी इनके ये खुश हो गए मम्मा पापा से हाँ। मम्मा पापा ने इनको क्या दिया जो खुश हो गए भाव बना दिया आपने इसको स्माइल कर रही है वो अच्छा जी अब मैं क्या कर रही हूँ बच्चों को खाना वाना दे दिया था अभी उनको फिर से भूख लग जाएगी मैं भी चावल गर्म करके रख रही हूँ और प्लस प्लस मैंने आज कुछ नहीं बनाया तो मेरा दिल है कि आज मैं पकौड़े बना लूँ ताकि रात उससे गुजर जाए लेकिन सुबह फिर हस्बैंड के कुछ खाने की रंच वाली कुछ ऐसा पकाया जाए जो वो खा लेना तो इस चीज़ की टेंशन जो है ना ख़त्म करने के लिए व्हाट कैन आई मेड नाउ क्या हो गया है तुम्हें भाई यार आधी हो गई है इसको मैं बंद कर लूँ पहले सो फाइनली मैं कामयाब हो गई अच्छा अब मुझे क्या करना है कि मैंने दूध जमा किया था केक फॉर बेकिंग में मैंने बनाना था पिज़्ज़ा अगेन तो चीज़ बनानी थी इसके लिए सो ये मैंने दूध जमा करके रखा हुआ था ये इसका शॉपर फट गया था सो मैंने क्या करना है मैंने सोचा आज मैं चीज़ बना कर रख लूँ तो इसके लिए फिर मैं चीज़ बना लूँगी और तकरीबन कोई 1.25 किलो के करीब तो होगा ये 3 पाव है और ये 1/2 kg से थोड़ा सा ज़्यादा ही था आई थिंक 1/2 kg तो था ही ये भी 3 पाव ही था लेकिन 1/2 kg ये भी है मतलब 1.25 किलो के करीब हो गया होगा लीटर जिसको कहते हैं 1.25 लीटर के करीब सो इसकी मैं चीज़ बना के रख लूँगी फिर कल इंशाल्लाह मैं प्रिपेयर करूँगी पिज़्ज़ा डो और फिर कल बनाऊँगी आज मैं इसको बना के रख लेती हूँ चीज़ वैसे भी बनी हुई पड़ी हो 100 चीज़ें करने के काम आ जाती है और होममेड चीज़ का फ़ायदा ये होता है कि वो बड़ी फ्रेश सी होती है और बड़े मल्टीपर्पज़ यूज़ में आ सकती है आप एग चीज़ सैंडविचेज़ बना सकते हैं और मतलब काफ़ी चीज़ें आप इससे कर सकते हो ये भी धोने वाला हो रहा है फिर ये मैं कल सारे काम करूँगी जो वॉशिंग वाले हैं आज इनको भी मैं नहीं करते और अभी मेरा जो काम है मैं कल वो कर लेती हूँ आटा गूंद के रखना है मुझे रात के खाने के लिए कुछ बनाना है और ये काम करना है तो ये सबको करते हैं और इसको भी गर्म करना है तो इसको भी कर लेते हैं और ये आप देख सकते हैं ये फुल भलाई क्रीम वाला मिल्क है उसमें से कुछ नहीं उतरा हुआ और ये बॉयल भी नहीं है और इसको हमने जस्ट हल्का सा इतना टेम्परेचर पे करना है कि आपकी फिंगर इसमें इजीली डिप हो और आप उतना उसको बर्दाश्त कर सकें बेयरेबल आप जितना ना कर सकें तो इसकी चीज़ बड़े मज़े की बनती है और बहुत ईजी सा तरीका है सिर्फ सिरका ऐड करना होता है और कुछ भी नहीं सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग द चीज़ तो यहाँ जो है ना ये इसका टेम्परेचर बिल्कुल बेयरेबल हो गया इतना गर्म है कि आप इजीली अपनी फिंगर रखो तो आप बर्दाश्त कर सको सो अब हम इसके अंदर सिरका ऐड करेंगे किसी भी कंपनी का सिरका ऐड कर सकते हो ठीक है जी कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है बिल्कुल सिंपल सा अगर चाहे तो नमक ऐड कर लें थोड़ा सा इस टाइम पर और फिर सिरका ऐड कर लें थोड़ी सी चीज़ी नमकीन वाली जो टेक्स्चर होता है ना वो आ जाएगा सो अब हम क्या करेंगे सिरका ऐड करेंगे 1 लीटर के लिए तकरीबन 4 टेबलस्पून यूज़ होते हैं सो हमारा तकरीबन है 1.25 लीटर के करीब सो आप थोड़ा सा अप एंड डाउन इसको कर सकते हैं तो मैं अभी ऐड कर रही हूँ भर के मैं इसमें ऐड कर लूँगी ठीक है 4 टेबलस्पून सिरका 1 अभी ऐड किया है और साथ ही साथ आपने इसको मिक्स करेंगे और ये देखना फौरन से ये देखना स्टार्ट हो जाएगा स्टिरिंग ये देख सकते हो आप ठीक है ये बनना स्टार्ट हो जाएगा तो हल्का सा आप मिक्स करोगे
ये बहुत जल्दी से बन जाता है। अभी आप देखेंगे कि सारा जो है ना एक जगह गैदर होने लगेगा, ये देखें आप। अच्छा, जो बाज़ार से सिंपल दुकानों से मिलता है उसमें ऑलमोस्ट आपको पता है पानी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर वो उस तरह से नहीं बन पाता। और अगर आप फुल बॉयल कर लेंगे मिल्क तो भी ये ना नहीं बनेगा। अब देखें, मैंने इसको बिल्कुल टेम्परेचर पे किया जिसमें आप फिंगर डिप कर सको, तो अब ये देखो कितना अच्छा हो गया। और ये आप आराम से इसको पिज़्ज़ा बनाने के लिए यूज़ करें, आप एग, चीज़ एग यूज़ करें, जिस भी फॉर्म में खाना चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें आप इतना ईजीली ये बन रहा है, देख रहे हैं आप, वाओ इट्स अमेजिंग। ये देखें सारा गैदर हो गया बहुत इजी से। सिर्फ हमने सिरका ऐड किया और कुछ भी ऐड नहीं किया, मैंने इवन दैट के नमक भी ऐड नहीं किया। आप चाहें तो नमक ऐड कर सकते हो, बड़ा मज़े का टेस्ट आता है, थोड़ा सा सॉल्टी सॉल्टी सा। और ये देख रहे हैं, अगर बॉयल होगा तो फिर वो जो है वो दूसरी तरह की चीज़ बनती है, आपको पता है। वाओ इट्स सो लुक अमेजिंग। और क्वांटिटी भी ये है कि दो दफ़ा आपका पिज़्ज़ा बन सकता है, सबसे बढ़कर ये मज़े की बात है। ये देखें, देखें होममेड चीज़ का मज़ा ही और है, और इतनी इजी बनती है, और बहुत ही जो है ना मज़े की बात ये है कि ये फ्रेश होती है, आपको पता है कि आपने बनाई है। अब जो है ना हम इसको हाथ से निकाल लेंगे और फिर इसको थोड़ा सा इसमें डिप करेंगे 3-4 दफ़ा, ताकि जो है ना इसका जो सिरके का टेक्सचर होता है वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगा, पानी बिल्कुल नहीं होगा। बहुत मज़े की चीज़ थी आपकी, बन जाएगी। ऊपर फिर हम रेफ्रिजरेटर में मतलब फ्रीज़र में रखेंगे ताकि ये बाइंडिंग हो जाए, और ऊपर ही रखी जाती है बाद में भी। अब मैं इसको निकालती हूँ। मैंने इसको निकाला है और ये कितना ज़बरदस्त कलर है। इसको आपने स्ट्रेच करना होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये स्ट्रेच, अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म गर्म है, ठीक है। और आपने इसको 2-3 दफ़ा डिप करना होता है, इसी गर्म पानी में डिप करेंगे हम इसको। भी फिलहाल रख देते हैं, इसको ठंडे पानी में डालेंगे या टैप वाटर में, फिर इसको इसमें टैप वाटर में, फिर इसको इसमें, इस तरह से करना है आपने। मैं इसको सारा स्क्यूज़ कर लूँ, फिर इसमें ठंडे पानी में टैप वाटर जो होता है उसमें डालेंगे, और फिर उसमें डालेंगे इस तरह से निकाल के, क्योंकि फिर कैमरा यूज़ करने में ज़रा प्रॉब्लम होती है जब, क्योंकि स्टैंड नहीं है ना। और देखें चीज़ी एलिमेंट आपको नज़र आने लगेगा, ये देखें, यस इट्स कॉल्ड चीज़ी एलिमेंट। और आप ना 5-6 लीटर की इकट्ठी बना लेंगे ना, ये देख रहे हैं आप। और वैसे भी जब एक दिन पहले आप बना लें, जिस दिन आपको चाहिए नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगी आराम से घर की होममेड चीज़, तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं जो हूँ इसी तरह 1-1 kg की बना लेती हूँ, तो जब ज़रूरत होती है, और कभी ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी बना के रख सकते हैं। और दूध भी बहुत महंगा हो गया आपको बताइए, तो मैं इसको भी निकालती हूँ। दिस इज़ कॉल्ड द होम मेड चीज़, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, ये देख सकते हैं। सो चावल गर्म हो गए, ठीक है, बच्चों को देने हैं, दिखाई थी पहले भी बेटा, और आटा गूंदना था ये, तो अभी मैं आटा गूंद रही हूँ। बर्ड्स की आवाज़ें आ रही होंगी बहुत खूबसूरत सी आपको भी। I made this princess. Like this. This is Snow White. This is Cinderella. This is Bella. This is Elsa. And this is Anna. This is the green princess. I don't know his name. This is Sophia. Okay, this is Sophia. So अब मैं जो हूँ आटा गूंद लेती हूँ, जब तक मैं बना रही हूँ अंडे प्याज वाला सालन, बस झटपट से जो बन जाएगा। और प्याज मैंने ले लिए 3-4, उसमें एक जवा लहसुन का कट करके डाल दिया, और एक अदद टमाटर भी जाएगा इसमें, वो भी छोटा छोटा सा कट करके डालूंगी। और 2 अंडे हम बना लेंगे, मज़ेदार सा सालन बन जाता है। और कुछ पकाने का दिल नहीं चाह रहा था, तो ईजी वे बनेगा। बना देंगे, आसानी से बन जाता है। तो
थोड़ा सा प्याज इस स्टेज पे डाल दूंगी ताकि मीठा मीठा ना। सो अभी जो है क्या करना है, क्या चलें जी, अंडा हमारा हो गया है लाइक स्क्रम्बल लाइक ही लुक दे रहा है। तो बस थोड़ी देर में बनाऊंगी रोटी वगैरह। और यहाँ अभी जो थे ना आज ले आए थे स्ट्रॉबेरीज, क्योंकि बुढ़ापा जो है ना बहुत ज़्यादा शौक आई थी। और बिल्कुल भी देखें गली सली अब अजीब सी ही आ रही है, मुझे की नहीं है, मैं तो खैर नहीं खाती हूँ। तो यहाँ मैं रोटी बना रही हूँ, ठीक है, अंडों का सालन बनाया था जी, देख रहे प्याज और अंडे से। बस अभी रोटी बना रही हूँ, चार रोटियाँ बनाई हैं, बच्चों को बहुत भूख लगी हुई है। मेरा खुद भी ना ज़रा डाउन डाउन सा दिल हो रहा है अजीब सा। मेरे से खाना